हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आपकी डिमांड पर एनबीएस एमटीएस की डिटेल स्ट्रेटजी प्लान लेकर आ चुका हूँ, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो आपकी एनबीएस के थ्रू वैकेंसी निकली हुई है, रिक्रूटमेंट निकली हुई है, उसके लिए लास्ट 45 डेज में किस तरीके से आपको कितना घंटा डेली पढ़ना चाहिए जिससे आप पहली ही बार में सक्सेस हो जाए, तो वो पूरा स्टडी प्लान में लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है मल्टीटास्किंग स्टाफ आपकी पोस्ट रहेगी, ठीक है, जिसमें बेस्ट स्ट्रेटजी टाइम टेबल लेके आया हूँ। कितने दिन का? लास्ट 45 डेज, क्योंकि आपका जो एग्जाम है 15 जून के बाद कभी भी हो सकता है, तो उसको हम एक टारगेट लेते हुए लास्ट 45 डेज आपके यहाँ पर मान के चल रहे हैं। और 9 घंटे डेली का आपका रूटीन रहने वाला, कितना? 45 डेज तक 9 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आप 100% एनबीएस का एग्जाम यहाँ पर क्रैक करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जीरो टू हीरो स्टडी रहने वाली है और स्मार्ट तरीका आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको चीजें करनी है। इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए मैंने पहली बार में ही जेएसए को क्रैक किया था, जो कि आपका एनबीएस के थ्रू एक पोस्ट है, ठीक है। चलिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए, मार्क्स लिखे हुए, टाइम कितना देना है आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, वो यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जिन जिन मैंने जिन जिन सब्जेक्ट पर यहाँ पर स्टार लगाया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिलाने वाले, तो उसको तो छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए, तो देखिए, यहाँ से सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका हिंदी। हिंदी कितने मार्क्स का आएगा? 20 मार्क्स। हिंदी 20 मार्क्स का आपका आने वाला है, जिसमें आपको किस तरीके से पढ़ना है, डेली 9 घंटे के रूटीन में से 1.5 घंटा आपको हिंदी को देना है। कितना? 1 आवर 30 मिनट आपको देना है, जिसमें से 1 आवर में आपको क्या करनी है? व्याकरण करनी है, क्योंकि व्याकरण आपके पोर्शन में है, प्लस 30 मिनट आपको शब्दार्थ, यानी कि जो वोकैबुलरी होती है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध वर्तनी, ये जो टॉपिक होते हैं वो आपके आ जाते हैं शब्दार्थ के अंदर। तो 30 मिनट डेली आपको वो करना है, 1 घंटे डेली आपको व्याकरण करनी है, ठीक है, ये आपको करना है। कितने चैप्टर हैं आपके टोटल? लगभग 15 के आसपास चैप्टर हैं टोटल कुल मिला के, ठीक है। तो 15 चैप्टर हैं, 45 डेज है, आप इजीली 20 डेज के अंदर इन चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई चैप्टर एक दो दो दिन भी ले सकता है, जैसे संधि हो गया, समास वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा ज्यादा समय आपका ले सकता है, ठीक है। तो आप कितने दिन में? 20 दिन में चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट के बचे 25 दिन, उसमें आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है और इसका रिविजन करना है, बस दो काम करने। 20 दिन में आपका ये हिंदी खत्म होने वाला है, इसी तरीके से पढ़ना। और ये तो आपको कब तक पढ़ना है? जो 30 मिनट डेली का देना है, ये आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको 30 मिनट देना है, ठीक है। ये मैं अपनी क्लास से आपको करवाने वाला हूँ। हिंदी की क्लास फर्स्ट आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है जाके देख लेना, ठीक है। या बेस्ट बुक चाहिए आपको, बेस्ट टीचर चाहिए, तो उसके बारे में भी मेरी डिटेल, बेस्ट जो टीचर है बेस्ट होकर, वो वाली वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पर, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका हिंदी, किस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें करनी है। इसके बाद आता है आपका इंग्लिश का चैप्टर, ठीक है। अभी बताऊंगा इसके हाईएस्ट आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं तो, ठीक है। इंग्लिश में कितने का आने वाला है आपका? इंग्लिश में 20 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर आने वाला है, सेम हिंदी के जैसा इसमें स्ट्रक्चर रहेगा। डेली का 1.5 घंटा आपको पढ़ना है, जिसमें 1 घंटा आपको ग्रामर पढ़नी है डेली, 30 मिनट आपको वोकैबुलरी पढ़नी है। वोकैबुलरी की क्लास भी हमारी चल रही है, अगर आपने नहीं देखी है, जो हमारा सेकंड चैनल है दैट इज द एग्जाम हेल्पर जी के, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है एनबीएस इंग्लिश, उसमें डेली वोकैब क्लास चल रही है। नहीं ले रहे हो तो ले लेना, ठीक है, अभी आपकी स्टॉप कर दी थी, कल से वो आपको कंटिन्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से जाके आप 30 मिनट डेली वोकैबुलरी आपको करना है, जिसमें वन वर्ड, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस और ये सब आपका आने वाला, मिस स्पेल्ड भी आएंगे, ठीक है। तो 1.5 घंटे आपको ये करना, इसमें भी लगभग 15 के आसपास चैप्टर है, इन चैप्टर को भी आप 20 से 22 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और फिर से वही, जो आपको पास समय मिलता है 20 से 22 दिन, जो और भी समय बचेगा उसमें आपको करना है, उसका रिवीजन करना है, और आगे आने वाले जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनकी आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, ये काम आपको करना है। अब देखिए, जब आप इन दोनों सब्जेक्ट को कर लेंगे तो इसमें आपको क्या करना होगा दोस्तों, ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आप कितना स्कोर कर सकते हैं, देखिए यहाँ क्या होता है, जो हिंदी मीडियम से होगा वो यहाँ तो दोस्तों अभी मैं आपको जस्ट बता ही रहा था, पूरा मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया 11 मिनट का भाई क्या बताऊं यार, मतलब बीच में चलते चलते 4 मिनट के बाद, जब तक मैंने आपको ये इंग्लिश वाला सेक्शन बता दिया था, हालांकि मैं पूरा कुछ बता चुका हूँ, वीडियो रुक गई बीच में, और उसमें सॉरी वॉइस उसमें रुक गई, वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो गया, मैं दोबारा से रिकॉर्ड मुझे करना पड़ रहा, ठीक है। तो देखिए भाई, आपके लिए क्या करते हैं, चलिए कोई ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में आपको बता दिया था, तो हिंदी प्लस इंग्लिश मिला के, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि हिंदी और इंग्लिश मिला के आप जो देखिए, क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम से होंगे कुछ इंग्लिश मीडियम से, तो ओवरऑल दोनों के पोर्शन को मिलाएंगे तो 32 प्लस जो एवरेज बच्चा वो यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकता है अगर आप इस रणनीति से पढ़ते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है दैट इज कंप्यूटर सब्जेक्ट। कंप्यूटर में क्या है, 40 मार्क्स का आने वाला है और सिलेक्शन का जो स्तंभ है वो यही है भाई, ये 20 का, ये 20 का, ये 20 का, ये अकेला 40 का, इसको ही कर लिया ना जिसने, अच्छे से कर लिया। इसमें आप अगर 2 घंटे डेली पढ़ते हैं, 20 चैप्टर्स है, 45 डेज है, 25 डेज में चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, 20 डेज में रिवीजन और उसके एमसीक्यू लगाइए, आपका जो 40 नंबर का है आप इसमें इजीली 35 प्लस स्कोर यहाँ पर
कर रहे होंगे, ठीक है, अगर आप इस स्टडी से पढ़ते होंगे। इसके लिए आपको देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरा प्रीवियस ईयर का पेपर, एमटीएस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है 2022 में, वो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये वाला वीडियो देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको चैनल पर देख लीजिएगा। उसमें क्या पता है आपको, कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से होंगे। जैसे मेमोरी से क्वेश्चन पूछा, उसने मेमोरी के ऊपर एक पैसेज रख दिया, जैसे हिंदी और इंग्लिश में आते हैं ना पैसेज, आते हैं गद्यांश क्लोज टेस्ट वगैरह आते हैं, उस तरीके से उसने क्वेश्चन रख दिया। फिर उसके आधार पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी तरीके से एक इनपुट आउटपुट डिवाइस पर उसने पैसेज रख दिया और वहां से क्वेश्चन उठा के पूछ रहा है, ठीक है। तो पैसेज के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, वो पूरा डिटेल मैंने आपको इसमें दिया है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, वो वहां से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये देख लेना। तो भाई 40 मार्क्स आने वाला, ध्यान रखना, अंडर एस्टिमेट मत करना। इसके लिए मेरी क्लास आने वाली है, 2 क्लास आ चुकी है। मैं क्या करने वाला हूँ, कल आपको हिंदी की मेरी क्लास आएगी, बुक एप की डेली सुबह 9 बजे चलती है, कंप्यूटर की और जीके की मैं कराने वाला हूँ। इसका पूरा शेड्यूल कि मैं कब कब मेरी क्लासेस आएंगी कल आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि मैं कब कौन सी क्लास लेने वाला हूँ। कल की डेट में मैं आपको पूरा जो इसका एक टाइम टेबल होता है कि इस समय मेरी क्लास आएगी, मैं कल तक आपको पूरा दे दूंगा और फिर उसी समय पर वो क्लास आया करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कंप्यूटर मैंने बता दी किस तरीके से पढ़ना, मेरी क्लास आ रही है वहां से अगर आप कर लेते हैं तो मेरी क्लास से ही अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम 2829 जो नंबर है ना मेरी क्लास से डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए लास्ट हमारा जो पोर्शन होता है दैट इज जीके प्लस करंट अफेयर। जीके प्लस करंट अफेयर में आपको क्या करना है दोस्तों, 20 मार्क्स का आपका आने वाला है, कितना 20 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें 4 घंटे डेली देना है। यही जो मैंने बताया था आपको सेम जेएसए के लिए बताया था, जेएसए को भी कितना 4 घंटे देना है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अब भाई एक्चुअली में होता क्या है, आपको अगर सब्जी बनानी है ना, चाहे 1 लोगों के लिए बनाओ चाहे 10 लोगों के लिए, बर्तन उतने ही बिगड़ेंगे जितने बिगड़ते हैं। तो वही सिनेरियो है कि जीके चाहे 10 नंबर का हो, चाहे आपका 20 नंबर का, चाहे 50 नंबर का, पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चंस उसी के अंदर सूट के आ रहे हैं। जीके तो बहुत बड़ा है, वो कहीं से भी उठाकर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो वही सिनेरियो यहाँ पर होने वाला है, 4 घंटे देना पड़ेंगे जीके को अगर सिलेक्शन चाहिए। 4 घंटे देने के बावजूद भी आपके जो नंबर आएंगे ना वो इतने आएंगे, ठीक है, बता रहा हूँ, 12 से लेकर 15 के बीच में, इससे ऊपर नहीं ला पाओगे, ठीक है, इससे ऊपर नहीं ला पाओगे। 12 से 15 नंबर आएंगे 4 घंटे देर के बाद बता दूंगे, वही इतना भी नहीं दोगे ना तो फिर 5-6 नंबर आएंगे और सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो 4 घंटे मिल जाएंगे, जिसमें 3 घंटे आपको जीके को देना है प्लस 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स को देना है। करंट अफेयर्स के लिए एक स्पीडी की मैगजीन आती है, उत्कर्ष वगैरह की मैगजीन आती है, वो आप ले सकते हैं, जिसमें आपको स्पीडी की लेते हैं तो उसमें किस तरीके से दिया है, एक मिनट मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए ये मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी, स्पीडी के नाम से आती है, ठीक है, ये प्रमोशन नहीं है, पढ़ता हूँ इसलिए, ये मेरे पास है 1 मई 2024 तक, आपको 1 मई 2024 तक ले लेंगे और वहां तक ही आपका एग्जाम में पूछ जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर पूरा इंडेक्स दिया गया है इस तरीके से इसमें, और इसमें क्या है आगे आप देखेंगे, स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज दिया है, यहाँ पर दिया हुआ अपॉइंटमेंट्स के बारे में, यहाँ पर दिया कि कौन सी अपॉइंटमेंट्स कब, ठीक है। इसके बाद नया टॉपिक हुआ इसमें, दैट इज सारी अपॉइंटमेंट दे रखी है। इसके बाद जो अगले अगले टॉपिक है इसमें देखिए, इस शहरों के परिवर्तित नाम, योजना, अभियान कौन कौन से स्टार्ट हुए हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री को कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं, चर्चित व्यक्ति कौन कौन से, ठीक है। इसके बाद देखिए नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद क्या है, अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो उसके बारे में बताएगा, राज्यों के राजधानी राज्यपाल कौन कौन से हैं, ठीक है, इस तरीके से चीजें इसमें दे रखी है। इसके बाद आप लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मंत्री वाइज हुआ, ठीक है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से पूरा मंत्री वाइज दिया हुआ है, जैसे ये फरवरी चल रहा है पूरा, है ना, इस तरीके से इसमें मंत्री वाइज दिया है। तो आपको क्या करना है, 30 मिनट तो आपको टॉपिक वाइज चलना है, ठीक है, शुरुआत से उठा के एंड तक जाना है, तो 30 मिनट चलना मंथली वाइज, 30 मिनट आप मंथली वाला देखा करेंगे, 30 मिनट वो देखेंगे। तो इस तरीके से आपको लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर करना है 45 डेज के अंदर। इस स्टडी से आएंगे तो आप बिल्कुल इस किताब को जो है 45 डेज के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं, छोटी सी किताब होती है, 70-80 पन्ने की किताब होती है, इस तरीके से कर सकते हैं। जो 3 मिनट जीके को देना वो किस तरीके से देना, देखिए जीके में आपका क्या पूछा जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, साइंस में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा स्टैटिक जीके वाला पोर्शन आपसे पूछा जाता है, लंबा ऊंचा कौन है ना, कौन सा नृत्य कहाँ होता है, कौन सा कलाकार किस चीज से संबंधित है, कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, वो चीज आपकी पूछी जाती है। तो इसको आपको कैसे करना है, 30-30 मिनट ईच को देना है, 6 सब्जेक्ट है टोटल, और 30 मिनट डेली, 3 घंटे पढ़ोगे, 30-30 मिनट्स करके डेली डेली आपको ये चीजें पढ़नी है, डेली हिस्ट्री पढ़नी, डेली पॉलिटी पढ़नी, डेली ज्योग्राफी। अभी आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आपको थ्योरिकल फॉर्म में पढ़ना है या आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़िए, जिससे आपका हो कि हिस्ट्री के आप, मैं कह रहा हूँ भाई कोई कैसा ही बंदा हो, 30 मिनट में इजिली 50 क्वेश्चन तो वो कर ही सकता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है, 50 करेगा 45 दिन, 2000 से ज्यादा एक सब्जेक्ट के वो क्वेश्चन कर रहा होगा, 2000 6 सब्जेक्ट में, 2×6=12, लगभग 12 से 15 सब्जेक्ट जो क्वेश्चन आप लगा चुके होंगे 45 दिन में,
इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला आपका, ठीक है, और इसी नंबर के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपकी रणनीति रखनी, इसकी भी क्लास दिख रहा है यहाँ पे एरो लगा हुआ, ये मैं लेके आने वाला हूँ, इसी तरीके से लेके आऊंगा, पूरा आपका जो 6-7 सब्जेक्ट है पूरा आपको कवर यहाँ पर कराने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वही कराऊंगा, ठीक है। इसकी भी मैं अपडेट दे दूंगा कि इसकी क्लास कब लगेगी, बुकअप की 9 बजे आएगी, कंप्यूटर की कब लगेगी, हिंदी कब लगेगी, हिंदी की ग्रामर की कब लगेगी, पूरा टाइम टेबल एक बता दूंगा, तो उसी समय वो क्लास आया करिए आपकी, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है। इसके अलावा जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट वही देना ही देना है आपको, बिना मॉक टेस्ट के आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर की हमारी क्लास चली, इसकी चली, इसकी चली, वो कैपी चली, मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा भाई, सीधी बात है। मॉक टेस्ट कहाँ से ले सकते हैं, टेस्ट बुक के ले सकते हैं, क्योंकि भाई आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, मेरी अभी मेरे जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं कितना पढ़ पाया हूँ, क्या मुझे समझ में आ रहा है, वो चीज़ें नहीं पता पड़ेंगी, वो कहाँ से पता पड़ेंगी, वो मॉक टेस्ट देने से पता चलेगी। तो आपको हर 5वें दिन क्या करना है, एक मॉक टेस्ट देना है, जिससे आप 45 दिन में 9 मॉक टेस्ट दे चुके, और जब एग्जाम की डेट आई तो उसको एडजस्ट करके 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में कन्वर्ट करना हो, जितने बचेंगे वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। कूपन कोड आप मेरा डाल देंगे V1W47, तो आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में टेस्ट बुक की, ठीक है। अभी ऑफर चला जाके परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका MTS के लिए स्मार्ट में जो स्ट्रेटजी थी, टाइम टेबल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये मेरे यूट्यूब चैनल है दोनों, दैट इज द एग्जाम हेल्पर, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक चैनल द एग्जाम हेल्पर जीके, जहाँ पर मैं जीके की जो भी स्टडी से क्लासेस होती है वो वहाँ पर कराता हूँ। 2 मेरे टेलीग्राम चैनल है, उनको फॉलो नहीं किया कर लेना, एक पर PDF वगैरह मिलती रहती है स्टडी की, और दूसरे पर सारी अपडेट्स जो है आपको मिलती रहती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।